हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस आर नर्सिंग लेक्चर। और आज हम बात करेंगे एमएसएन में ऑस्टियो अर्थराइटिस की। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें एस आर नर्सिंग लेक्चर, और आई बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज इस वीडियो के अंदर ही शॉर्ट मतलब इसके अंदर ये अपने जो वीडियो रहेगी वो लास्ट मिनट रिवीजन ऑफ ऑस्टियो अर्थराइटिस पर रहेगी। मीन्स अगर अपन एग्जाम में जा रहे हैं उससे पहले अगर अपन को जितना फास्ट रिवाइज करना हो उसके बारे में अपना पूरा फोकस रहेगा। और मेन ये रहेगा कि अपन जो है कौन कौन से क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो अपन शुरुआत करते हैं लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज का पहला वीडियो, ऑस्टियो अर्थराइटिस। ऑस्टियो अर्थराइटिस की अगर बात करें तो ये जो होती है ये एक नॉन इंफ्लामेटरी डिजीज होती है। नॉन इंफ्लामेटरी मीन्स इसके अंदर क्या होता है, किसी प्रकार का इंफ्लामेशन नहीं देखने को मिलता है, या अपन कह सकते हैं रिलेटिव इन्फ्लामेशन या सेकेंडरी इन्फ्लामेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। मीन्स अपन ओवरऑल कहें तो ये क्या है, नॉन इंफ्लामेटरी डीजनरेटिव बोन डीजनरेटिव डिसऑर्डर है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि नॉन इंफ्लामेटरी मीन्स इन्फ्लामेशन तो यहाँ पे नहीं होगा। बोन डीजनरेटिव डिसऑर्डर का मतलब होता है कि जो जॉइंट्स होते हैं, खासकर यहाँ पे जो जॉइंट्स अफेक्ट होते हैं वो होते हैं वेट बियरिंग जॉइंट्स। अब वेट बियरिंग जॉइंट्स का मतलब क्या होता है कि जहाँ से पूरी बॉडी का वेट उठ रहा होगा उन जॉइंट की बात हो रही है, जैसे कि नी जॉइंट है, हिप है, या फिर वर्टिब्रल कोलम। वर्टिब्रल कोलम में भी कौन कौन सी वर्टिब्रीज जो है ज़्यादातर वेट उठाती है उसकी अगर बात करें तो यहाँ पर आएगी सर्वाइकल और लंबर वर्टिब्रा। ठीक है, मीन्स इसकी डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है कि ये एक तरह की कैसी डिजीज है, नॉन इन्फ्लामेटरी है, बोन डीजनरेटिव डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर वेट बेरिंग जॉइंट जो है इन्वॉल्व होते हैं, खासकर नी, हिप और वर्टिब्रल कोलम में सर्वाइकल और लंबर वर्टिब्रा। ठीक है, ये बात के लिए अपन ने डेफिनेशन दी। इसके बाद में इसके अगर मैं बात करूँ तो ये दो टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या डिफरेंस होता है कि जो प्राइमरी होती है जनरली इससे कंसर्न रखता है, और प्राइमरी जो है वो यहाँ पे इडियोपैथिक है। सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होता है वो उनमें देखने को मिलता है जिसमें पहले कभी जॉइंट इंजरी हुई है या फिर इन्फ्लामेशन है उसकी वजह से अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है तो अपन कहते हैं सेकेंडरी। ठीक है, इसमें से कुछ खास है नहीं। इसके बाद बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। पैथोफिजियोलॉजी में सिर्फ अपन को ये समझना है ये बोन है और बोन के ये क्या है, आर्टिकुलर कार्टिलेज। ठीक है, आर्टिकुलर कार्टिलेज है, ये है साइनोवियल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये है लिगामेंट्स और यहाँ से मसल आ रही है, ये है टेंडन। ठीक है, ये क्या है टेंडन। अब इसमें इतनी सिंपल सी बात है पैथोफिजियोलॉजी में कि यहाँ पे क्या होता है कि जो ये आर्टिकुलर कार्टिलेज है इसका क्या हो जाता है, धीरे धीरे डिग्रेडेशन चालू हो जाता है। जैसे ये आर्टिकुलर कार्टिलेज यहाँ से हटेगा तो क्या होगा, ये बोन एक दूसरे को फेस करेगी, ये दोनों को फेस करेगी और धीरे धीरे क्या होगा, ये जो जॉइंट स्पेस है ये धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो बोन है ये प्रोट्रूड करेगी जॉइंट स्पेस में, इसका क्या हो जाएगा, प्रोट्रूजन हो जाएगा। ठीक है, प्रोट्रूजन होने की वजह से ये क्या होगा, जॉइंट स्पेस जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब सिंपल सी बात है, जनरली कोई भी बोन जो है वो मूवमेंट कब करती है, जब ये एक बोन है दूसरी बोन है दोनों के बीच में साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ होता है। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट में स्पेस होती है और क्या होता है कि जॉइंट मूवमेंट करता है और अपन उससे जो है चलते हैं या जो भी मूवमेंट होता है। बट यहाँ इस डिजीज में क्या होता है कि आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है पहले डिग्रेडेशन होगा, उसके बाद में इन बोन का क्या हो जाएगा, प्रोट्रूजन हो जाएगा जॉइंट स्पेस में। स्पेस कम होने की वजह से क्या होगा, जो जॉइंट मूवमेंट है वो क्या हो जाएगा, अफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जॉइंट मूवमेंट अफेक्टेड। अब क्या होता है कि यहाँ पे माइल्ड स्वेलिंग आती है, इन्फ्लामेशन होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे ये जो नर्व एंडिंग्स है यहाँ पे इसकी वजह से यहाँ पे पेन फील होता है, और ये पेन जो है मॉडरेट और सीवियर नेचर का होता है। तो ये इसकी सिंपल पैथोफिजियोलॉजी है। एक चीज़ अपन यहाँ समझ सकते हैं कि आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है वो यहाँ पे डिग्रेडेशन उसका कैसे हुआ है। तो जनरली आर्टिकुलर कार्टिलेज जो होता है वो किसका बना हुआ होता है, कॉन्ड्रोसाइट सेल्स का बना हुआ होता है। ठीक है, ये है कॉन्ड्रोसाइट सेल्स। ठीक है, इन कॉन्ड्रोसाइट सेल्स का वो बना हुआ होता है जिसके अंदर क्या होता है, एक्स्ट्रा मेडुलरी मैट्रिक्स पाया जाता है, और दूसरी तरफ क्या होता है, प्रोटियोग्लाइकेन होता है। अब ये प्रोटियोग्लाइकेन का काम होता है यहाँ पे लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना जॉइंट को, क्या काम होता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना। और यहाँ पे EMM जो होता है मीन्स एक्स्ट्रा मेडुलरी मैट्रिक्स जो होता है, इसका काम होता है इलास्टिसिटी प्रोवाइड करना और
टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, ठीक है। अब इन दोनों का काम नॉर्मल ये होता है। अब क्या होता है, ये लुब्रिकेशन का प्रोवाइड करना है, तो यहाँ पे क्या होता है, हाइलुरोनिक एसिड होता है। मीन्स के कंटेंट की बात करें तो इसमें हाइलुरोनिक एसिड, केराटिन सल्फेट और कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, टाइट सेकेंड कोलेजन, ठीक है, ये नॉर्मल कंटेंट होता है। अब क्या होता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है और कार्टिलेज जो ओल्ड हो जाता है वो धीरे धीरे डिग्रेड होने डिग्रेड होता है और न्यू वन कार्टिलेज जो होता है वो बनता रहता है। अब इस कंडीशन में क्या होता है, मीन्स यहाँ पे जो है एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म की प्रोसेस अपन को देखने को मिलती है, ठीक है। अब क्या होता है कि इस डिजीज में कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म, ठीक है, कैटाबोलिज्म का मतलब होता है डिग्रेडेशन होना, ठीक है, डिग्रेडेशन ऑफ कार्टिलेज, जो भी आर्टिलरी कार्टिलेज है उसका मतलब होता है सिंथेसिस, ठीक है। अब इस डिजीज में क्या होता है कि नॉर्मल कंडीशन में तो क्या होता है कि एनाबोलिज्म इज ग्रेटर देन कैटाबोलिज्म, मतलब सबसे पहले क्या होगा कि धीरे धीरे ओल्ड कार्टिलेज जो है डिजनरेट होगा, डिग्रेड होगा और नया बन जाएगा, ठीक है, उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। बट इस डिजीज कंडीशन में क्या होता है, ये प्रोसेस जो है कैटाबोलिज्म एनाबोलिज्म से फास्ट होती है, मीन्स कार्टिलेज डिग्रेडेशन तो होता है फास्ट और सिंथेसिस जो है बहुत ही धीरे धीरे होता है, जिसकी वजह से ये डिजीज जो अपन को देखने को मिलती है। ये थी इसकी क्या पैथोफिजियोलॉजी। इसमें अपन को याद क्या रखना है कि यहाँ पे कैटाबॉलिज्म का प्रोसेस एनाबॉलिज्म से ज्यादा होता है, जिससे क्या होता है। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स जो है बहुत ही आसान है। सबसे पहले अपन ने ये देखा कि यहाँ पे ये बोन जो होता है इसका ऐसा प्रोट्यूजन हो रहा था, ठीक है, ये प्रोट्रूड हो गई। अब क्या होता है, ये प्रोट्रूजन जो होता है इसे अपन क्या कहते हैं, ऑस्टियोफाइट। इस ऑस्टियोफाइट का मतलब होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑस्टियोफाइट जो होता है इसका मतलब क्या होता है, बोन का इनलार्जमेंट होना, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जब एक बोन दूसरे जॉइंट स्पेस में जब इन्वेड करने लग जाएगी तो स्पेस कम होने लग जाएंगे, जॉइंट मूवमेंट अफेक्टेड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑस्टियोफाइट अपन ने देखे होंगे जिसमें बोन इनलार्जमेंट है, यहाँ पे दो नोड बनती है, ठीक है, हैबिटल नोड और बाउचर्ड नोड, ठीक है। तो ये लास्ट मिनट रिवीजन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ऑस्टियोफाइट में दो नोड बनती है, हैबिटल नोड और बाउचर नोड। हैबिटल नोड जो होती है उसे अपन याद सकते हैं HD से, मींस यहाँ पे क्या होता है, डिस्टल इंटरमीडियन जॉइंट जो होता है उसका क्या हो जाता है, इनलार्जमेंट हो जाता है। इसको अपन याद रखते हैं BP से, यहाँ पे क्या होता है, प्रोक्सिमल इंटरफेलेंजियन जॉइंट जो होता है उसका क्या हो जाता है, इनलार्जमेंट हो जाता है। मीन्स क्या हुआ कि इस हैबिटल नोड में जो डिस्टल इंटरफेलेंजियन जॉइंट है, डिस्टल मतलब ये वाला जॉइंट जो है, इसके अंदर क्या होता है, स्वेलिंग आ जाती है, रेडनेस हो जाती है और क्या होता है, पेशेंट जो है वो बाहर से अपन रेडनेस दिखाई देती है, ठीक है, रेड हो जाता है, पेन हो जाता है, इंफ्लामेशन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है। और प्रोक्सीमल इंटरफेलेंजियन जॉइंट मीन्स ये वाले जो जॉइंट दिख रहे हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, नोड बन जाएंगे, इनलार्ज हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, वही पेन स्वेलिंग और रेडनेस देखने को मिलेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर हुआ ऑस्टियोआर्थराइटिस का, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, इमेज बेस में भी आता है और डायरेक्ट पूछा जाता है कि बाउचर नोड हैबिटल नोड कहाँ देखने को मिलती है, ठीक है। ये था अपना पहला क्लिनिकल फीचर। दूसरा क्लिनिकल फीचर अपन इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जैसे कार्टिलेज यहाँ से हटेगा तो ये क्या होगा कि जो बोन के बॉर्डर है वो क्या होंगे, शाइनी होंगे, इसे अपन ये कहते हैं, ठीक है, इसे अपन क्या कहते हैं, इबर्डन, मींस इसे कहते हैं अपन इबर्नेशन ऑफ बोन का मतलब होता है कि जैसे आर्टिकुलर कार्टिलेज हटता है तो बोन के जो बॉर्डर होते हैं उनकी चमक देखने को मिलती है, वो शाइन करने लग जाते हैं, मीन्स ये क्या होते हैं, शाइनी बॉर्डर, ठीक है। ये क्या है, दूसरा क्लिनिकल फीचर जो कि इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप उसको एक निमोनिक से याद रखते हैं, जैसे कि ओस्टियो में अभी अपन ने ओस्टियोफाइट देख लिया है, ऐसे क्या होगा, यहाँ पे स्टिफनेस देखने को मिलेगी, ठीक है। और मैं यहाँ बता दूं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर स्टिफनेस आधे घंटे या 30 मिनट से ज्यादा देखने को मिलती है, यहाँ स्टिफनेस लेस देन 30 मिनट देखने को मिलेगी। ये क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। टी से मतलब होता है टेंडरनेस, मतलब जहाँ पे जॉइंट अफेक्टेड है वहां पे जैसे अपन इसको पालपेट करेंगे तो वहां पे क्या होगा, अपन को पेन फील होगा। यहाँ से ई से क्या होगा,
मैंने भी पढ़ा कि इबरनेशन देखने को मिलता नहीं, जॉइंट जो है शाइन हो जाते हैं। इसके अलावा क्रेपिटस साउंड जो होता है उसको एक्सपीरियंस होता है। क्रेपिटस साउंड मीन जो जॉइंट है वहाँ पे अपन को क्रेपिटस साउंड जो है वो एक्सपीरियंस होता है। और यहाँ से ओ का मतलब होता है ओनली जॉइंट्स आर अफेक्टेड, ओनली जॉइंट्स मीन्स ये ऐसी डिजीज है जो क्या है नॉन इन्फ्लामेटरी है, जिसके अंदर बोन का डिजनरेशन होता है। दूसरा ये क्या है एक नॉन सिस्टमिक डिजीज है, नॉन सिस्टमिक। नॉन सिस्टमिक डिजीज का मतलब होता है कि इसके अंदर सिर्फ जॉइंट्स हैं वही अफेक्टेड होंगे, एक्स्ट्रा आर्टिकुलर जो फीचर्स हैं वो यहाँ पे पूरी तरह से क्या होंगे एब्सेंट होंगे, जो कि कहाँ प्रेजेंट थे रिमोटेड अर्थराइटिस में। ठीक है, इसको अपन एक निमोनिक से याद रखा है ओस्टियो। ये पूरा का पूरा निमोनिक जो है एज इट इज पूछा जा सकता है। जैसे कि ओस्टियोफाइट में दो नोट्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, स्टिफनेस अपने को पता होना चाहिए कि 30 मिनट से कम होता है, टी का मतलब होता है टेंडरनेस, ई के अंदर क्या होता है क्रेपिटस साउंड, और इबरनेस ऑफ बोन मीन जहाँ पे क्या होता है बोन कि जो बॉर्डर है वो शाइनी हो जाते हैं और यहाँ पे सिर्फ जॉइंट्स अफेक्टेड होते हैं। क्लिनिकल फीचर के सिम्टम्स की अगर बात करूँ तो यहाँ पे सिम्टम्स जो है वो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के साथ जो है इंटेंसिफाइड हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ की जो शुरुआत होती है वो कैसे होती है, इंसीडियस होती है। इंसीडियस का मतलब होता है कि प्रोग्रेसिव, धीरे धीरे क्या होती है प्रोग्रेस करती है। जबकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर जो ऑनसेट होती है या शुरुआत होती है वो क्या होती है सडन होती है। ये भी एक क्या है डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये कैसा होता है एसिमेट्रिकल होता है, एसिमेट्रिकल जॉइंट्स आर अफेक्टेड। एसिमेट्रिकल का मतलब होता है कि जैसे अगर राइट हैंड अफेक्टेड है तो लेफ्ट नहीं होगा। ठीक है, बट रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है सिमेट्री देखने को मिलती है, मींस अगर राइट नहीं अफेक्टेड है तो लेफ्ट नहीं भी अफेक्टेड होगा। ये भी एक क्या है डिफरेंस है रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियो आर्थराइटिस के बीच में। ठीक है, ये हो गए इसके सारे क्लिनिकल फीचर। अब क्लिनिकल फीचर्स में एक पेन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो पेन अपन को देखने को मिलता है वो कैसा होता है, बर्निंग होता है, शार्प बर्निंग शार्प पेन होता है, और वो जो है इंटेंसिफाई होता है कब, जब अपन मूवमेंट करते हैं या फिर एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, मूवमेंट और एक्सरसाइज के साथ क्या हो जाता है बढ़ता है, और रेस्ट के साथ क्या होता है डिक्रीज होता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्लिनिकल फीचर है पेन जो अपन को देखने को मिलता है। इसके बाद अपन बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की, तो डायग्नोसिस जनरली यहाँ पे एक्सरे कराया जाता है जिसमें अपन को देखने को मिलता है कि जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है वो डिग्रेड हो गया है या फिर जो गैप है वो अपन को डिग्रीज देखने को मिलता है। कन्फर्मेशन के लिए MRI सिटी स्कैन भी करा सकते हैं। फिर बात करते हैं मैनेजमेंट की कि मैनेजमेंट यहाँ क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो जनरली मैनेजमेंट होता है वो नॉन फार्मेकोलॉजिकल फार्मेकोलॉजिकल, अगर मैं बात करूँ कि नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट की, तो नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या होगा, पहला काम तो मेरा ये होगा कि जो भी जॉइंट अफेक्टेड है उसको मैं इमोबिलाइज करूँ, ज़्यादा मूवमेंट ना करूँ ताकि मेरे को पेन कम फील हो। इसके अलावा अपन क्या कर सकते हैं उन जॉइंट्स पे वेट जो है वो ज़्यादा ना पड़े, इसके लिए अपन जो है ऑर्थोटिक डिवाइस यूज कर सकते हैं। ऑर्थोटिक डिवाइसेस में जैसे कि स्प्लिंट है, ब्रेस है, या फिर जो कैन होते हैं। ठीक है, उनके द्वारा पेशेंट जो है चलता है ताकि उसके जो वेट है उस पर वेट, मतलब जो भी उसके जॉइंट्स है उस पर ज़्यादा वेट बॉडी का ना पड़े और वो जो है अफेक्ट ना हो और उसको पेन फील ना हो। ठीक है, इसके अलावा अगर सीवियर इन्फ्लामेशन अगर है तो यहाँ पे अपन क्या यूज करते हैं कोल्ड एप्लीकेशन। ठीक है, अगर सीवियर इन्फ्लामेशन कंडीशन है तो अपन कोल्ड एप्लीकेशन यूज करते हैं। अगर नॉन फार्मेकोलॉजी के अंदर अपन और क्या कर सकते हैं, अगर पेशेंट जो है वो ओबेज है, मीन्स वो क्या है रिस्क फैक्टर है ओबेज भी, उस केस में क्या करते हैं अपन उसका वेट लॉस कराते हैं ताकि क्या हो उसके वेट, मतलब जो जॉइंट है उस पर कम से कम असर पड़े उसके बॉडी वेट का। तो ये जनरली ओबेस पेशेंट में कराया जाता है। ठीक है, ये कुछ नॉन फार्माकोलॉजिकल तरीके थे। इसके अलावा बात करते हैं फार्माकोलॉजी में सबसे पता है अपन को एक इंपॉर्टेंट फीचर था पेन। इस पेन को कम करने के लिए शुरुआत में अपन देते हैं एसिटामिनोफेन। अब इस एसिटामिनोफेन में क्या होता है, एक प्रॉब्लम आती है किसी पेशेंट में, क्या GIT ब्लीडिंग। ठीक है, मींस में क्या होता है पेन के लिए जब माइल्ड पेन होता है, माइल्ड टू मॉडरेट, तब एसिटामिनोफेन देते हैं जहाँ पर GIT ब्लीडिंग की प्रॉब्लम आती है। बट अगर GIT ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है तो उस केस में फिर अपन ड्रग देते हैं ox2 ब्लॉकर, ox2 एंजाइम ब्लॉकर।
ठीक है। अब इस दर्द में देने के साथ साथ अपन को एक चीज ये ध्यान रखनी पड़ती है, इसमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की रिस्क होती है, रिस्क ऑफ कार्डियो वैस्कुलर डिजीज। ठीक है, अब समझ लो कि पेन जो है इससे भी कम नहीं हो रहा, तो उस केस में अपने पास अगला ऑप्शन होता है ओपियोइड्स। ठीक है, ओपियोइड्स होता है, इसके अलावा अपन इंट्रा आर्टिकुलर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। लास्ट जो अपनी वीडियो थी रूमेटॉइड अर्थराइटिस की, उसमें अपन ने मैनेजमेंट जो है देखा था, जिसके अंदर अपन डी मार्च और वगैरह ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज करते हैं। अब वहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है वो विजिबिलिटी की आ रही है, तो अगर आप 240 पिक्सल फोटो पे करके देखेंगे तो कुछ सेकंड बाद जो है आपको विजिबल हो जाएगी आराम से। ठीक है, उसकी PDF फाइल जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो पेन है उसमें अगर ओपियोइड्स और इंट्रा आर्टिकुलर कॉर्टिकोस्टेरॉइड अपन ने दे दिया, और बाई चांस पेन अब भी ठीक नहीं हो रहा, तो अपन और क्या कर सकते हैं। इसके अलावा इस अगर माइल्ड टू मॉडरेट कंडीशन है तो अपन टॉपिकल एनाल्जेसिक भी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? टॉपिकल एनाल्जेसिक। अब टॉपिकल एनाल्जेसिक का एग्जांपल है मिथाइल सेलिसाइक्लेट। ठीक है, अब बात कर रहे हैं कि पेन जो है वो दिन बे दिन मीन्स प्रोग्रेसिव डिजीज है, और पेन जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है, ना तो एसिटामिनोफेन से काम हो रहा है, ना कोक से काम हो रहा है, ना ही टॉपिकल एनाल्जेसिक से काम हो रहा है। तो उस केस में अपन क्या करते हैं, फर्दर इसको रिड्यूस करने के लिए अपन यूज करते हैं, अपन क्या करते हैं, इंजेक्शन हाइलुरोनिक एसिड। ठीक है, इंजेक्शन हाइलुरोनिक SCL जो होता है उसको इंजेक्ट करते हैं डायरेक्ट जॉइंट में। ठीक है, डायरेक्ट जॉइंट में इसको इंजेक्ट करते हैं। इस मेथड को कहते हैं इंट्रा आर्टिकुलर। ठीक है, इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन देते हैं किसका, हाइलुरोनिक SCL का। ये क्या काम करेगा, ये कैसा होता है, जेल लाइक सब्सटेंस। ठीक है, अब जेल लाइक सब्सटेंस होगा तो क्या होगा कि यहाँ पे जो साइनोविल फ्लूड है, ठीक है, साइनोविल फ्लूड है उसकी विस्कोसिटी क्या कर देगा, बढ़ा देगा, साइनोविल फ्लूड की विस्कोसिटी बढ़ा देगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो आर्टिकुलर कार्टिलेज का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, मीन्स आर्टिकुलर कार्टिलेज का जो लॉस हो रहा था उसको क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, और जो डिफॉर्मिटी है उसको भी कहीं ना कहीं जो है उसको सही करने में मदद करेगा। मीन्स अपन जो लास्ट हथियार यूज कर रहे हैं पेन के लिए कम करने के लिए जो भी फार्माकोलॉजिकल तरीके में, वो है इंजेक्शन हाइलुरोनिक SCL। ठीक है, ये भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये अपन देते हैं ईयरली बेसिस पे। ठीक है, ये अपन ने सारे तरीके यूज कर लिए। अब क्या होता है कि अपन ने जेल लाइक सब्सटेंस भी इंट्रोड्यूस करा दिया, फिर भी अगर पेन कम नहीं होता है तो उस बाद में अपने पास जो है लास्ट ऑप्शन बचता है सर्जरी का। ठीक है, सर्जरी में अपने पास दो मेथड होते हैं। ठीक है, पेन अगर कम नहीं हो रहा है तो फिर सर्जिकल मैनेजमेंट किया जाता है। सर्जिकल मैनेजमेंट में अपन जो है एक तो एर्थ्रोप्लास्टी करते हैं, दूसरा ओस्टेक्टोमी करते हैं। ठीक है, इस ओस्टेक्टोमी में अपन क्या करते हैं कि जो भी जॉइंट होता है अपना उसको सर्जिकली से वापस एक नया शेप देते हैं, ताकि जो भी जॉइंट डिफॉर्मिटी है वो सही हो जाए और जॉइंट मूवमेंट जो है वो ठीक हो जाए। दूसरा काम करते हैं अपन एर्थ्रोप्लास्टी में अपन क्या करते हैं कि जो भी जॉइंट है, बोले वो नी जॉइंट है, हिप जॉइंट है, उसको अपन क्या कर देते हैं, जो प्रोस्थेसिस होता है उससे जो भी डैमेज पार्ट है उसको प्रोस्थेसिस से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, उसके लिए अपन यूज करते हैं एर्थ्रोप्लास्टी, और ये अपना लास्ट ऑप्शन होता है जब पेन जो है वो रिलीव नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा इसका जो इंडिकेटर होता है वो क्या है, जब पेन रिलीव नहीं हो रहा है किसी भी मेथड से। ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन की अगर हम बात करें कि कौन से तरीके होते हैं या कौन सी कंडीशन है जिसमें अपन ये सर्जरी नहीं कर सकते हैं, एक तो होता है इन्फेक्शन। ठीक है, दूसरा होता है ऑस्टियोपोरोसिस सीवियर। ठीक है, और इसके अलावा सीवियर इन्फ्लामेशन। ये तीन तरीके होते हैं जहाँ पर अपन आर्थ्रोप्लास्टी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी अपने सर्जिकल मैनेजमेंट। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में अपने पास तीन ही ड्रग है मेन, पहले तो अपन यूज करते हैं एसिटामिनोफेन। ठीक है, इसके बाद इसके अलावा अपन यूज करते हैं टॉपिकल एनाल्जेसिक एजेंट जिसमें मिथाइल ट्रक्सेट थे, इसके अलावा अपन इंजेक्शन हाइलुरोनिडेज
एससीएल को जो है इंट्रा आर्टिकुलर तरीके से इंजेक्शन लगाते हैं ताकि पेन रिलीव हो जाए, ठीक है। मेन तो अपना फोकस मैनेजमेंट में इतना ही है। इसके अलावा क्या होता है कि अगर मैं नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे क्या होता है कि जो पेशेंट है उसको इमोबलाइज कर दिया जाता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा उसको एडिक्वेट अमाउंट का रेस्ट दिया जाता है, कम से कम मूवमेंट दिया जाता है। एक्सरसाइज जो होती है वो साइकोथेरेपी साइकोथेरेपिस्ट के जो भी वो बताता है सजेस्ट करते हैं उनके अकॉर्डिंग जो है इनको एक्सरसाइज कराई जाती है, या फिर बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट होगी अगर कंडीशन सिवियर पेन है सिवियर इन्फ्लामेशन है, ठीक है। इसके अलावा जब पेशेंट बेड पे होता है तो उसको अपन फूड या फिर बेड ग्रेडर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या होगा कि पेशेंट के अगर सिवियर इन्फ्लामेशन हो रहा है नी में तो जो लिनन है उसका जो है उस पर वेट पड़ेगा, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे फूड और बेड ग्रेडर का यूज़ करेंगे। तो ये था मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट है कि अर्थोप्लास्टी अपन कब करते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ ड्रग्स हैं जिसके बारे में क्वेश्चन आते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंजेक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड।